हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं वंदना और आज मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाली हूं हेयर ग्रोथ को लेकर के एक ऐसी रेमेडी जिसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप इस रेमेडी का रेगुलरली यूज़ करते हो तो बहुत कम टाइम में आपके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपको भी पता ही है कि मैंने भी अपनी हेयर कटिंग तो की ही है, तो मैं भी इसका रेगुलरली यूज़ कर रही हूं और देखते हैं फिर कितना रिजल्ट मुझे भी देखने को मिलता है। और बाकी मैं आपको रियलिटी बताऊँ, बहुत ही इफेक्टिव है ये रेमेडी। जब से मैंने बाल काटे हैं ना, तो चंद टाइम में लगभग 2 हफ्ते का ही रिजल्ट मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी हद तक मतलब कि मेरी बालों की ग्रोथ हो चुकी है और आगे भी, जैसा कि आपने देख ही लिया है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो भी मेरे उठा करके देख सकते हो कि किस डेट पे मैंने ये कटिंग करवाई थी। और अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो ब्लॉग चैनल पे मैं डेली अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, मतलब ब्लॉग डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स रह जाते हैं कि पहले से ही इतने बड़े बाल थे, ये हो गया वो हो गया, तो उनके लिए मैंने ये, जो मतलब जिनको यकीन नहीं होता है किसी चीज़ पे, तो उनके लिए। और चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करके पहले देख लेते हैं कि कैसे बनानी है ये रेमेडी। तो रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये 1 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद हमने सिर्फ 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी है, तीसरी कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ले रही हूँ मैं ये मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स भी इसे बोला जाता है और हर जगह अवेलेबल है, ये मार्केट में मिल जाती है इजीली, मसाले के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मेथी दाना के इसमें ऐड कर लिए हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो मेथी दाना है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपके बाल सिल्की शाइनी बनते हैं और हेयर ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसे मैंने डाल दिया है। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, मैं बहुत सारी अपनी रेमेडीज में भी बता चुकी हूँ कि मेरे बालों का राज सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो है ये आंवला। तो सर्दियों के मौसम में आंवला को मैंने सुखा करके रख लिया था। आंवला को मैं ना सिर्फ अपने बालों में मतलब इस तरह से रेमेडीज में ही यूज़ करती हूँ, इवन मैं इसे खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। और आंवला को अगर रेगुलरली आप खाने में इस्तेमाल करते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, साथ ही साथ मोटापे की प्रॉब्लम हो तो वो भी नहीं रहती है। तो बालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा वरदान है, मैं तो यही कहूँगी। और इस चीज़ को अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसे भी मैंने यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि लगभग इतना मुट्ठी के करीब मैंने लिया था, और इसे भी अब मैंने सोक करने के लिए डाल दिया है। अगर आपके पास इस तरीके से है तो आप ऐसे डाल दीजिए, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो जो सूखा हुआ मतलब थोड़ा टुकड़े टुकड़े में इस तरीके से मिलता है मार्केट में, अगर आप जो वैद्य वाली शॉप होती है ना, आयुर्वेदिक शॉप्स, उनमें इजीली मिल जाता है। रामदेव की शॉप पे भी आपको मिल जाएगा इजीली, पतंजलि स्टोर्स पे। तो इस तरह तरीके का जो होगा तो उसे भी आप इस तरह से ले सकते हो। जितना आपने ये मेथी दाना इस्तेमाल किया है उतना ही आपको फिर ये आंवला भी यहाँ पे ऐड अप करना है। और यकीन मानिए, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो आप रेगुलर आंवला को खाने में और इस तरह से रेमेडीज में यूज़ कीजिए, मैं गारंटी दे रही हूँ आपके बालों की ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छे से बढ़ेगी, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो मैंने दोनों चीज़ें ली हैं, इसे अब मैं इसी तरह से रख दूंगी इसको ढक के, और इस तरह से ओवरनाइट तक हमें इसे इसी तरह से भिगोना है, रखना है। तो अभी आप देख सकते हो कि ओवरनाइट भिगोने के बाद कुछ इस तरह से जो है ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। और ये जो पानी है आपका, ये भी देखो, इसका कलर भी थोड़ा सा अलग जैसे हो गया है, मतलब थोड़ा सा रेडिश जैसा कलर हो गया है इसका, ब्राउन जैसा कलर। तो आपको ये पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, और इसी पानी के साथ ये सारा जो भी चीज़ें हमने ली हैं दोनों, ये भी, और ये मैं अब ले रही हूँ लोहे की कढ़ाई, इसे मैंने साफ़ किया है। तो लोहे की कढ़ाई में पता है आपको कि थोड़ा ब्लैक जैसा कश आंवला का इस पे चढ़ता रहता है, तो इस वजह से मैं ये ले रही हूँ। और अगर आपके पास ये वाली कढ़ाई ना भी हो तो आप दूसरी सिंपल वाली कढ़ाई भी ले सकते हो यहाँ पे। तो जो हमने ये लिया था मेथी दाना और आंवला, एक्स्ट्रा पानी मैंने कोई यूज़ नहीं किया, बस जो इसमें हमने डाला था 1 गिलास पानी का, वही मैंने यहाँ पे लिया है। और अब हम इसे बॉईल करेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से हमने इसे बॉईल करना है ताकि ये जो पानी है ना ये बिल्कुल कम हो जाए, मतलब 1/4 पानी हमारे पास बच जाए। तो 1 गिलास लिया था, 1 गिलास का 1/4 हमें इसको तब तक इसे बॉईल करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इसको बॉईल करने में, ताकि
आप अपने जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे से इस पानी में रिलीज करता जाए, और बीच बीच में आप इस तरह से इसे दबा सकते हो ताकि जितना भी इसके अंदर जो भी बाकी का पानी बच जाता है और जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स है वो भी सारी गुडनेस पानी के अंदर आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको इसको दबाते रहना है बीच बीच में, और ये आप देख सकते हो किनारों पे कि पानी का कलर भी ना अभी थोड़ा काला काला पड़ने लगा है, पहले ब्राउन जैसे कलर का था अभी थोड़ा काला काला पड़ने लगा है। तो बस आपको इसे धीमी आंच पे इसी तरह पकाते रहना है, थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा मतलब आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। तो बस इसको अब मैं लगभग 5 से 10 मिनट लग जाएंगे तभी ये एक चौथाई हमारा रह जाएगा, तो जब तक एक चौथाई नहीं रह जाता तब तक आपको इसे बॉइल करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि पानी जो है हमारा सूख चुका है, पूरी तरह नहीं सूखा है, जितना हमें चाहिए उतना है। और पानी का आपको कलर दिखाऊं तो ये देखिए ब्लैक में अभी पानी का कलर जो है टर्न हो चुका है। तो बस ये अभी थोड़ा जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा दबा लीजिए, और इसके बाद फिर अब हम गैस बंद कर देंगे और ये जो रेमेडी है इसको इसी के अंदर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो रेमेडी इतनी आपको ठंडी करनी है कि आप इसको इजिली हाथ लगा पाएं। तो अभी देखिए मैंने लिया है ये कॉटन क्लोथ, और आप अगर चाहें तो छलनी की हेल्प से भी इसे छान सकते हो। तो ये जो जितना भी अब ये हमारे पास ये मेथी और आंवला है तो इसे मैंने डाल दिया इस कॉटन क्लोथ में, और अब फिर मुझे इसे इसके अंदर जो भी ये देखिए लिक्विड फॉर्म रहेगी ना पानी रहेगा वो हमें इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए आप देख सकते हो कि जो भी जितना भी हमने पानी लिया था ना तो वो जितना आप चाहें, तो मैंने लगभग एक चौथाई पानी जब हुआ उसके बाद फिर ये क्लोज किया, और ये देखिए इस तरह से काले रंग का ये पानी आपके पास अभी मिल रहा है आपको। तो अच्छी तरह से आपने फिर इसे निचोड़ लेना है और ये पानी जो है सारा निकाल लेना है। तो ये देख सकते हो आपकी पानी का कलर बिल्कुल काला हो चुका है, और अब हमने इसे यूज करना है अपनी स्कैल्प पे। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसे हमने किस तरह से हमें इसे यूज करना है। तो रेमेडी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और अब बारी आती है इसे लगाने की। तो इसे लगाने के लिए मैंने ले ली है ये कॉटन, कॉटन से ना लगाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। और दूसरी बात कि अब मैंने ना दो बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब भी कर लिया है और बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी कुछ इस तरह से। और अब देखिए किस तरह से आपने इसे लगाना है, आप इसे रेमेडी में डिप कीजिए इस तरह से और फिर अपनी स्कैल्प पे लगाना है इसे। मैंने इसमें ऑयल नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैंने हाल ही में अपने बालों में स्मूदनिंग करवाई थी, इस वजह से अभी मेरे को मना किया है कि लगभग एक महीने तक मैं ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ ना करूँ। वैसे तो रेमेडीज़ के लिए भी मना किया गया है लेकिन देखिए जो हमारे बालों में रिवॉर्डिंग स्मूदनिंग जो भी होता है वो हमारी लेंथ में होता है, स्कैल्प पे जो है आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपनी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी से चाहिए तो आपको रेमेडीज तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी। देखिए केमिकल ट्रीटमेंट से आप बालों को स्ट्रेट कर सकते हो, मतलब परमानेंटली सीधा कर सकते हो, क्योंकि होम रेमेडी जो है एकदम से रिजल्ट नहीं देती हैं, वो तो आप सबको पता ही होगा। इसीलिए अगर आपको फिर ग्रोथ करनी है बालों की तो फिर भैया नेचुरल रेमेडीज़ तो यूज़ करनी ही पड़ेंगी। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है इसलिए मैं एडवांस में ही उनको आंसर दे रही हूँ। और बाकी ये देखिए इस तरीके से फिर हमें ये बालों की सिर्फ स्कैल्प में ही मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए बालों को इस तरीके से आप सेक्शन में इस तरह से हटाते रहिए और अपनी स्कैल्प पे से अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। अच्छा रहेगा अगर आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करें तो हेयर ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे से होगी। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और बाकी आप अपना मनपसंदी जो भी आप चाहें वो वाला ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो या तो आप ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड अप कर सकते हो। आलमंड ऑयल भी वैसे लाइट होता है तो कुछ भी आमला ऑयल जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यूज़ नहीं किया ऑयल, मैंने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई। और बाकी बस आपको इसी तरह से इसे अप्लाई करना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है रियली, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ इस चीज़ की। और बाकी बालों को काला, क्योंकि जैसे रेमेडी हमारी काली है तो आंवला हमारे बालों को नेचुरली काला करने के लिए एक लौता एक ऐसा तरीका है जिससे आप नेचुरली अपने बालों को काला कर सकते हो, इसीलिए फिर मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। और जो आपके बाल ग्रोथ आएगी नई वाली तो वो बिल्कुल एकदम गहरे काले आपके बाल होंगे,
तो ये जो बाल हैं आपको कलर दिखाई दे रहा है तो ये भी आंवला की ही वजह से, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करती ही रहती हूँ। और बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बातें ना करके आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हेयर केयर से रिलेटेड मैं अपने बालों को, क्योंकि लेंथ आप देख ही चुके हो कि कितनी मैं कटवा चुकी हूँ और आगे मैं किस तरह से ग्रो करूँगी, तो वो वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो रेगुलरली मैं अपनी जो भी होम रेमेडीज़ यूज़ करती रहूँगी हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे इफेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो बस जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।